अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चिकन गुलाबी खास कबाब की रेसिपी। ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, शादियों में अक्सर आपने ये स्टार्टर खाए होंगे, जरूर बनाइएगा। एकदम सॉफ्ट एंड जूसी एंड चीजी चीजी कबाब बनते हैं और रमजान में इसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने 250 ग्राम जो चिकन का कीमा ले लिया है, पहले हम कीमे को कुक करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताऊंगी। देखिए, यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून जो ऑयल रख लिया है, एकदम कम ऑयल में हमें इसे कुक करना है, क्योंकि हमें इसकी फीलिंग जो है अंदर की कबाब की फीलिंग रेडी करना है, तो एकदम ऑयली ऑयली से नहीं करना है हमें। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहे तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब तकरीबन 5 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से कुक करना है कि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो अच्छे से चले जाए। इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे कुक करना है। ये कुक हो चुका है, अब देखिए मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा 1 टीस्पून। जीरे को भी हम हल्का सा कुक करेंगे, जीरे को अदरक पसंद के बाद ऐड करना है, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो हमारे मुंह में आता है तो बहुत मजे का लगता है। जीरा भी हमारा कुक हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 2 प्याज, उसे अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है, देखिए इस तरीके से। अब प्याज को भी हमें इतना कुक करना है, प्याज हमारी नरम हो जाए, एकदम हमें लाल नहीं करना है, एकदम ब्राउन जैसा नहीं करना है। इस तरीके से चलाते हुए प्याज को भी मैं पका लूंगी। देखिए, प्याज भी हमारी एकदम नरम हो चुकी है। अब हम मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ मसाले। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करी धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, आपके पास नहीं है तो ब्लैक पेपर पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट, नमक हसबे जायका इसमें ऐड करना है हमें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, देखिए मिर्ची को मैंने दरदरा मिक्सर में पीस लिया है, 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि व्हाइट पेपर पाउडर जो होता है वो बहुत तीखा होता है, तो आप वो हिसाब से अपने मिर्ची जो है तीखापन आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आप पहले चेक कर लीजिएगा। अब देखिए, ये कीमे को मैं जो है ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देना है हमें। इससे पहले मैं इसमें कीमा ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद जो है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हमें इसे ढक के पकाना है। देखिए, इस तरीके से कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 250 ग्राम चिकन का कीमा ये है और 250 ग्राम मैं बोनलेस बाद में आगे प्रोसीजर में लूंगी, और 10 से 12 कबाब हमारे आराम से बन जाते हैं। अब देखिए, मैं इसे ढक देती हूँ, अब ये पानी रिलीज करेगा, फिर हमें इसे पानी में ड्राई करके इसे भूनना है अच्छे से, तब तक दूसरा प्रोसीजर कर लेते हैं। देखिए, 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और इसे अच्छे से वॉश करके इसका पानी भी ड्रेन कर लिया, अब इसे हमें मिक्सी में पीसना है। देखिए, मैं चिकन को मैंने ऐड कर लिया है मिक्सी के अंदर, अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बाइंडिंग के लिए 1 ब्रेड। देखिए, 1 ब्रेड को इस तरीके से तोड़ के मैं इसमें ऐड करूंगी। ब्रेड ऐड करने से क्या होता है, बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाती है और हमारा जो चिकन का कबाब है वो एकदम सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल जो कड़क कड़क चिकन के कबाब हो जाते हैं वैसे नहीं होता है। अब मैं इसमें ऐड करी नमक एज पर टेस्ट, अब इसे मिलती हूँ पीसने के बाद। देखिए, हमारा ये मिक्सचर एकदम रेडी हो गया है। अब कुछ जो गरम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी व्हाइट मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 पिंच के बराबर मैंने ग्रीन कलर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने लिया तंदूरी मसाला, चिकन तंदूरी मसाला, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी मटन का मसाला आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैं इसमें ऐड करूंगी, देखिए, थोड़े से पुदीना और कोथमीर, ग्रीन फूड कलर जरूर ऐड करिएगा, क्योंकि ये गुलाबी खास जो है वो कलर से ही जो है फूड कलर से ही अलग 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 कलर के ये बनते हैं, बहुत मजे के बनते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। आप मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मेरा मिक्सचर कितने अच्छे से बाइंडिंग हो गई है, बिल्कुल नहीं छिटक रहा है, बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी ये कबाब बन के तैयार होंगे हमारे। देखिए, यहाँ पे हमारा कीमा जो है पानी रिलीज कर चुका है, अब हमें इसे गैस की फ्लेम को इस स्टेज पे कर देना है हाई। उससे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी येलो फूड कलर, देखिए अंदर से येलो ऊपर से ग्रीन और उसके आगे भी एक कलर होगा, मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। थोड़ा सा हमें ज्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा हल्का सा येलो फूड कलर इसमें ऐड करेंगे। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अब गैस की फ्लेम को जो है हाई करके इसका पानी बिल्कुल हमें ड्रेन कर लेना है।
इस तरीके से मिक्स करते हुए। ये स्टेज पे आप नमक जो है चेक कर लीजिएगा, कम ज्यादा जैसा भी आपको लगे, क्योंकि हमें आगे चल के इसमें चीज भी ऐड करना है, तो नमक थोड़ा ध्यान से ही ऐड करिएगा। अक्सर हम क्या करते हैं, रेसिपी में नमक ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम चीज ऐड करते हैं या सॉसेज ऐड करते हैं तो हमारा नमक ज्यादा हो जाता है। तो सॉसेज या चीज ऐड करते वक्त ये ध्यान रखिएगा। देखिए कीमा हमारा एकदम ड्राई हो गया, देखिए बिल्कुल ऑयली नहीं है और अच्छे से कुक भी हो गया है और बहुत ही मजे का बनता है। आप चाहे तो इसका समोसा भी बना सकते हैं, इस तरीके से कीमा बना के चीज ऐड करके और इसका समोसा बनाइए, बहुत मजे का लगता है। देखिए अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए कीमा हमारा ठंडा हो गया है। देखिए ये मिक्सचर को इस तरीके से मैंने एक पोर्शन ले लिया है और हाथ हथेलियों का यूज करके इसे अच्छे से देखिए मैंने चपटा कर लिया है इस तरीके से। बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। थोड़ा ज्यादा पोर्शन लीजिएगा, बाद में हम इसे निकाल सकते हैं। देखिए मैंने एक प्लास्टिक की थैली ली है, उसके ऊपर इसे रखा है ताकि हमारा जो कबाब है वो इजिली हमारे हाथों में आ जाए। देखिए इस तरीके से चपटा करते हुए मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब एक और पोर्शन मैंने लूंगी और इसके भी चपटा कर देंगे। बड़ा बड़ा पोर्शन लीजिएगा, बाद में हम अगर जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन पतला पतला कबाब बनाइएगा। देखिए मैंने एकदम पतला पतला कबाब बनाइए, जरा भी मोटा मत रखिएगा। देखिए अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारी कीमे की फिलिंग। देखिए अच्छी खासी फीलिंग मैंने इसमें ऐड करी है, ज्यादा ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत फीलिंग। जब हम खाएंगे तो हमारे मुंह में कीमे का भी टेस्ट आएगा और जो बाहर का हमारा कबाब है उसका भी टेस्ट आएगा, चीज का भी टेस्ट आएगा, बहुत ही मजे का बनता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मोजरेला चीज। आप चाहे तो ग्रेटेड चीज भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मोजरेला चीज की बात ही अलग होती है। देखिए इस तरीके से अब ये जो दूसरा कबाब है उसे हम इसके ऊपर रख के और साइडों से प्रेस करते हुए कबाब को हमारे शेप दे देंगे। ये देखिए मैंने इसको ओवल शेप बनाया था, अंडे का जो शेप होता है ओवल शेप, उस तरीके का मैंने इसे बनाया था। देखिए फीलिंग हमारी बिल्कुल अच्छे से देखिए भर के मैंने करी है। अब शेप देने के बाद देखिए मैं एक्स्ट्रा जो कीमा है वो बाद में निकाल लूंगी। इस तरीके से प्रेस करते हुए हमें पता चल जाएगा कि हमारा कीमा कहाँ पे फील है, कहाँ से हमें निकालना है। देखिए यहाँ से ज्यादा है, अब इस तरीके से इसे निकाल लीजिए। बिल्कुल इजीली बन जाता है, बिल्कुल मेहनत का काम नहीं है ये, और बहुत ही यूनिक कबाब है। आप जब भी बनाएंगे तो आपके मेहमान जरूर पूछेंगे कि आपने बनाया कैसे, और ये रेसिपी बिल्कुल नई लगेगी। शादियों में तो अक्सर जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं, अक्सर शादियों में ये स्टार्टर आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, ये स्टार्टर बहुत इजीली मिलता है शादियों में, लेकिन बनाया किसी ने नहीं होगा। बना के देखिए, बहुत ही मजे का बनता है घर में भी और बहुत ही ईजी है। देखिए इस तरीके से मैंने कबाब का जो शेप दे दिया है अच्छे से, पूरी चारों तरफ से मैंने इसे शेप कर दिया है। देखिए आप चाहे तो जो है गोल कबाब भी बना सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा शेप देके स्क्वायर भी कर सकते हैं। बिल्कुल शेप देना आपके हाथ में है, बिल्कुल टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए बिल्कुल मैंने इसे शेप दे दिया है, बाकी कबाब को भी मैं बना लेती हूँ। देखिए यहाँ पे एक अंडे में मैंने हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर और नमक ऐड कर दिया था और इसे अच्छे से फेंट लिया है। और यहाँ पे मैंने देखिए ब्रेड क्रम भी रेडी कर लिया है। ब्रेड क्रम में हमें कोटिंग करना है और अंडे में हमें डिप करना है। अब देखिए तीसरा कलर, मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है 2 इंच के बराबर। अब पानी में थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ब्रेड क्रम में जो मिक्स कर रही हूँ, तभी तो इसका नाम है गुलाबे खास कबाब, बहुत ही मजे का बनता है। देखिए इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, थोड़ा सा मैंने बचा लिया, कभी ब्रेड क्रम हमारे कम पड़े तो आगे चल के भी हम उसमें ऐड कर सकते। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। अब क्या करेंगे, हम अंडे में इसे डिप करेंगे कबाब को, बिल्कुल हल्के हाथ से डिप करना है और बिल्कुल नहीं टूट रहा है। देखिए एकदम इसकी बाइंडिंग और कबाब हमारे एकदम कड़क अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब देखिए अंडे में अच्छे से इसे डिप करके मैंने बिल्कुल छान के इस तरीके से निकाल लिया है। अब ब्रेड क्रम इसमें ऐड करना है और ब्रेड क्रम को देखिए मैं हल्का हल्का लगा रही हूँ, एकदम ज्यादा ऐसा हमें नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगाना कि ग्रीन कलर भी हमारा दिखे और रेड कलर की जो ऊपर के ब्रेड क्रम्स है वो भी हमारे नजर आ जाए। अच्छे से इसे इस तरीके से कर लेना है। देखिए अब ये स्टेज पे क्या कर सकते हैं, हम इसे फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। पहले आप इसे एक बर्तन में रख के 1 घंटे के लिए जो है वो कड़क होने दीजिए, उसके बाद उसे जिपलॉक बैग में आप जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दूसरा ही बताती हूँ, बहुत इजीली इसकी देखिए अच्छे से डीप हो गया, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा, बिल्कुल भी एकदम सेट हो गया है। देखिए इस तरीके से मैंने दूसरा ही बना लिया है और मैंने थोड़े कबाब आपको फ्राई करके दिखाना है और थोड़े कबाब मैंने भी स्टोर कर देना है फ्रीजर में रमजान के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी रेसिपी रोजा रख के खाएंगे तो उसकी बात ही अलग होगी, इफ्तार की जो जान हो जाएगी ये रेसिपी। बिल्कुल पहले रोजे में ही आप ट्राई कीजिएगा, मैं चांद रात को ही ये रेसिपी अपलोड करूंगी आपके लिए। देखिए इस तरीके से स्टोर कर लीजिएगा।
देखिए मेरे इतने 9 से 10 कबाब मेरे बन चुके हैं, थोड़े मैं फ्राई करूंगी, अब इस तरीके से मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी, जब ये हार्ड हो जाएंगे मैं इसे जिप्लॉक बैग में डाल के और सेव कर लूंगी। अब देखिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है, देखिए एकदम ज्यादा ऑयल भी मैंने नहीं लिया है, मीडियम जितना ये डूब जाए इतना मैंने, एक साइड से डूब जाए इतना मैंने ऑयल रखा है। इसे हल्के हाथ जो मीडियम आंच पे मैंने जो है कुक करने के लिए रख दिया, क्योंकि हमारा जो ऊपर का चिकन का कीमा है वो कच्चा है तो उसे पकना चाहिए इस तरीके से। देखिए अब मैं पलट लूंगी दोनों चीजों का इस्तेमाल करके इस तरह से, देखिए रेड रेड ग्रीन ग्रीन, अंदर से जब खोलेंगे तो येलो येलो, बहुत ही खास कबाब ये बनकर रेडी होते हैं। चांद रात स्पेशल कबाब है ये मेरा, जरूर ट्राई कीजिएगा। और आज ही चांद रात है, आज मैं ये अपलोड करूंगी और आप सबको एडवांस में मैं रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह आपको बरकत दे, रहमतों वाला ये महीना रहे, बरकतों वाला ये महीना रहे, सबको सेहत और आफियत दे, तंदुरुस्ती दे। चलिए मैं आपको मिलती हूँ सर्व करने के बाद। देखिए मेरा जो है गुलाबे खास कबाब रेडी हो गया है, टमाटो केचप के साथ मैंने इसे सर्व किया है, चटनी वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप में बहुत ही जूसी और बहुत ही स्पाइसी क्रंची बनता है। देखिए अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट इजीली टूट गया, अंदर से चीजी चीजी येलो येलो कीमा, ग्रीन कीमा, ऊपर से रेड रेड ब्रेड क्रम की बाइंडिंग, बहुत ही मजे का ये कबाब बन के मेरा रेडी हो गया है। जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको लगा कैसे। अगर आपको मेरे गुलाबे खास कबाब की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा, उससे आने वाली सबसे पहले रेसिपी आपको मिलेगी। और मैं आपको एक बार और बात बोलती हूँ, देखिए इस तरीके से कबाब को बनाइए और अपने मेहमानों के सामने सर्व कीजिए। देखिए अंदर से कीमा आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर से चीज, उसके ऊपर कबाब, बहुत ही मजे का बनता है। और एक बार आपको और रमजान की बहुत 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 मुबारकबाद, आप मुझे भी दुआ में याद रखिए, मैं भी आपको आप सबके लिए दुआ करूंगी। चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।